हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। माय डियर, आरआरबी जेई के लिए जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो देखिए आज हम डिस्कशन करेंगे फिगर काउंटिंग पार्ट थ्री पर, जहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे एंड आपसे जानेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की आर्ट थर्ड क्लास है। और दूसरी चीज, बाय गेट अकेडमी कोर्स CBT 1 CBT 2 ओनली 777, यानी हाँ एक यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जबरदस्त कोर्स है, आप इसको परचेज कर लीजिए और डेली बेसिस पे हमारे साथ क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। आरआरबी जेई 2024 रिक्रूटमेंट 7900, यानी 7900 पोस्ट के लिए। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन निकली थी वो निकली थी डियर 30 जुलाई 2024 को एंड 29 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। एंड आरआरबी में आपको जो टोटल वैकेंसीज मिलती हैं 7900 वैकेंसीज हैं। टीयर गेट एकेडमी पे ये कोर्स है CBT 1 CBT 2 के लिए, जिसकी फीस केवल 777 है, 777। तो बिना देरी किए आप लोग यहाँ पर क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, यानी त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का थर्ड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं और ये आज का पहला सिंपल क्वेश्चन है। 30 सेकंड का समय है आपके पास और 30 सेकंड में आपको मुझे बताना है कि इस पिक्चर में आपको कितने ट्राइंगल्स यहां पर देखने के लिए मिले। यू हैव ओनली 30 सेकंड्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। एंड यहां पर जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्लीज उस कॉन्सेप्ट पे आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन ये हो चाहे वो क्वेश्चन आपका इस टाइप से हो, डियर लाइक दिस। ठीक है, वन ट्राइंगल अंडर, यहाँ तीन ट्राइंगल अंदर है, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आपके बन जाए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग कैसे काउंट करेंगे बिना देरी के। माय डियर, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आपने देखा कि ये फ्लोर बने, फर्स्ट फ्लोर ये, सेकंड फ्लोर ये, ठीक है। तो आपको नंबर दे देना है 1 एंड 2। क्या किया आपने, नंबर दे दिया। अब एक बार नंबर ऊपर से नीचे दीजिए, एक बार नंबर नीचे से ऊपर दीजिए, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 2। तो हमने देखा इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको क्या पता पड़ेगा, यहां से हो गया निकल के आया डियर रिजल्ट 2, समझिएगा, यहां से रिजल्ट निकल के आया 2, यहां से भी रिजल्ट निकल के आया 2, एंड 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4, यानी ये 4 सीधे ट्राइंगल है आपके। ट्राइंगल काउंट करने का बेस्ट तरीका है कि एक बार सीधे नंबर दीजिए, एक बार उल्टे नंबर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो सीधे ट्राइंगल है। देखिए सीधे ट्राइंगल 1 2 3 और चौथा ये बड़े वाला हो गया। तो जब कभी भी आप ऐसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करेंगे तो आपको ट्राइंगल्स पता चल जाएंगे। अब आते हैं हम सेकंड पर, उल्टे ट्राइंगल कितने मिलेंगे। उल्टा ट्राइंगल आपको क्लियरली दिख रहा है, वो आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, दैट इज 1। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 5। अब आप कहेंगे सर ये तो हम डायरेक्टली काउंट कर लेते, इसके लिए मेथड की जरूरत क्या थी। तो बेटा मेथड इसके लिए नहीं था, एक्चुअल में मेथड इस वाले क्वेश्चन के लिए था। तो एक बार 30 सेकंड दे रहा हूं, अगर आपने मेथड सीख लिया तो आप उससे निकालिए, मेथड नहीं सीखा तो डायरेक्टली काउंट करके निकालिए, जो मेथड आपको आसान लगे आप उसको अप्रोच कीजिए। एंड यहां पर टाइमर देने का मोटो बस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो एंड कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहो। तो डियर मैं आपको मैन्युअली भी काउंट करके दिखाऊंगा और फॉर्मूला बेस्ड भी दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला हमें किस तरीके से हेल्प किया, दोनों चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो टाइम अप होता हुआ टाइम रीसेट करते हैं डियर, मैन्युअली काउंट करते हैं। पहले देखिए ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ट्राइंगल नंबर 5, ट्राइंगल नंबर 6, 6 ट्राइंगल मिले। अब यहां से देखो ये ट्राइंगल नंबर 7, तीनों को मिलाकर बना। नीचे देखो ट्राइंगल नंबर 8, फिर ये देखो ट्राइंगल नंबर 9 और एक बड़े वाला ट्राइंगल नंबर 10। तो आपने क्या किया, यहां पर 10 ट्राइंगल्स काउंट कर लिए। अब उल्टे ट्राइंगल देखते हैं, तो देखिए उल्टा ट्राइंगल 1 2 3, तो आंसर कितना हो गया 10 प्लस 3, रिजल्ट कितना हो गया 13। अब ये जो 10 थे ये आपके कौन से वाले थे, ब्लू वाले थे, क्लियर। तो बट हम ये मेथड नहीं अपनाएंगे, हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर 1 2 3, उल्टी गिनती 1 2 3, तो यहां से निकला 3, यहां से निकला 4, यहां से अगेन निकला कितना 3, 3 3 6 और 4 10।
आपको टोटल कितना मिला? 10। और ये 10 कौन से थे? वो सीधे वाले ट्रायंगल थे। उल्टे वाले ट्रायंगल हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3, तो फाइनल कितना हो गया? उल्टे ट्रायंगल हो गए हमारे 3, और 3 यानी आंसर हो गया 13, और 13 हमारा एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बट इस बार क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और आपसे पूछा बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। एंड इसके लिए फिर से मैं देता हूं 30 सेकंड का समय। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स। यू हैव लेस टाइम, आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा आंसर करने के लिए आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। एंड यू नीड टू फोकस हाउ टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर करेंगे। चलिए देखिए, ट्राइंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 4 रो में ट्राइंगल है, तो आप उल्टी गिनती कीजिए, 4, 3, 2, 1। तो यहां से मिला 4, यहां से मिला 6, यहां से मिला 6, यहां से मिला 4, 4, 6, 10 प्लस 16, 16 प्लस 4 आपका हो गया 20 20। अब इन 20 के बाद उल्टे ट्राइंगल मैनुअली काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी हमने क्या किया कि ये 6 किया, ये हमारे उल्टे ट्राइंगल थे और ये हमारे सीधे ट्राइंगल थे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ और दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 2, 3 एंड 5 मिलके एक बड़ा ट्राइंगल और बनता है, ये हमारा द मोस्ट हिडन ट्राइंगल है जो 2, 3 और 5 को मिलकर एक ट्राइंगल बनाए। तो कितना हो गया हमारा आंसर? 27। 27 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। तो आप लोगों ने देखा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी इसी के साथ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैं आपको देता हूं पोल 30 सेकंड का, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपको बताना है कि इस वाले पिक्चर में आपको कितने, अच्छा टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, चलो 45 सेकंड कर देता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। चलो 45 सेकंड्स में बताना है आपको यहां पर ट्राइंगल कितने मिलेंगे, 12, 13, 14 या 15, 12, 13, 14 या 15। फोकस्ड होके देखिएगा, आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ध्यान दीजिए डियर, ध्यान, आपका पूरा ध्यान आपके क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। टाइम अप होता हुआ डियर, देखते हैं। देखिए पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तीसरा ट्राइंगल ये रहा, चौथा ट्राइंगल ये रहा, पांचवा ट्राइंगल ये रहा, छठा ट्राइंगल ये रहा। आप इसको ए ले लीजिए, आप इसको बी ले लीजिए, यानी इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें टोटल 6 ट्राइंगल यहां पर इजिली दिख रहे हैं। अब इन 6 ट्राइंगल के बाद हम उन ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे जो दो पिक्चर मिलकर बन रहे हैं। तो माय डियर देखिए, यहां पर लिखता हूं मैं 2 एंड 3, 1 एंड 2 मिलकर एक ट्राइंगल बन रहा है, 1 एंड 2। अब इसके बाद देखिए 1 के साथ आपका एक और ट्राइंगल मिल रहा है, दैट इज 6। आप इस वाले ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, 1 एंड 6। इसी तरह से और भी ट्राइंगल है, आप उनको भी फोकस करेंगे। जैसे 1 एंड 2 दिखा, अब मुझे दिख रहा है 3 एंड 4 मिलकर एक ट्राइंगल बना, 4 एंड 5 मिलकर एक ट्राइंगल बना, 6 और 8 मिलकर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, 6 और 8। ये देखो 6 और 8, अभी मैं 2 वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक और ट्राइंगल मुझे दिखा, दैट इज 5 एंड 8। मैं फिर से दिखाता हूं, 5 एंड 8। तो देखो 5 एंड 8 मिलकर ट्राइंगल बना, हाँ जी 2 ही नंबर है यहां पर भी, क्लियर है। तो देखो आपने कितना किया, 6 तो यहां से मिले, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ट्राइंगल आप टोटल अभी तक ढूंढ चुके हैं। अब एक चीज देखिए, 3 वाले कितने बन रहे हैं। तो जब 3 वालों की बारी आएगी तो देखिए 2, 5 एंड 8, ये कहां पर है, यहां पर 2, 5 एंड 8 हमें यहां पर मिल गया। नेक्स्ट 4, 5 बी, 4, 5 बी डियर हमें यहां पर मिल गया।
अब इसके बाद आप देखिए, सिक्स थ्री सिक्स एंड ए, तो थ्री सिक्स ए हम लोग कैसे देखेंगे, यहां देखिए थ्री सिक्स एंड ए, एक ट्राइंगल ये मिला। तो आप कितने ट्राइंगल टोटल ढूंढ चुके हैं अभी तक? तो माय डियर, यहां से देखिए आपके ट्राइंगल मिले छह, छह के बाद यहां से ट्राइंगल मिले छह, और यहां से ट्राइंगल आपके कितने मिले, तीन, छह दुनी 12, तीन 15, 15। यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगेन एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर डियर हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही समझदारी से करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा फोकस्ड होके देखो। 45 सेकेंड्स, यू हैव 45 सेकेंड्स, एंड कैलकुलेट करने में गलती मत करना। यहां पर कैलकुलेट करने में गलती मत कीजिएगा। अगर हम इस पिक्चर की बात करें और मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर आपके ट्राइंगल्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले फोकस करो वहां पर जहां पर इजीली आपको ट्राइंगल्स काउंट हो रहे हैं। हमेशा याद रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस क्या है आपका, याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था कुछ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये स्क्वायर सिखाया था, कुछ याद आया? और मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर में अगर आपको ट्राइंगल काउंट करने पड़ेंगे तो आप किस तरीके से काउंट करेंगे। तो आपका था सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब यहां पर आपको 16 तो मिल गए, 16 तो ट्राइंगल मिल गए। अब इन 16 के बाद ट्राइंगल कहां बन रहे हैं? तो देखिए पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तीसरा ट्राइंगल ये रहा, चौथा ट्राइंगल आपका ये रहा, यानी 16 और 4 हमें 20 मिल गए, 20 ट्राइंगल पूरे पूरे मिल गए। अब हम ट्राइंगल और कहां देखेंगे? तो माय डियर देखिए, 1 एंड 1 मिलकर एक ट्राइंगल बना, रेड एंड ब्लू। फिर देखिए 2 एंड 2 मिलकर एक ट्राइंगल बना। फिर देखिए 3 एंड 3 मिलकर एक ट्राइंगल बना। अब मैं आपको एक काम करता हूं कि कलर भी क्लियर कर देता हूं। देखिए रेड वाला 1 और ब्लू वाला 1 मिलकर एक ट्राइंगल बना। चलो एक काम करते हैं, 2 3 4, तो आप देखिए 2 2 3 3 4 4, यानी 1 1 मिलकर एक ट्राइंगल बना ये वाला, 2 2 मिलकर ये वाला, 3 3 मिलकर ये वाला, 4 4 मिलकर ये वाला। तो हमने 4 ट्राइंगल और काउंट कर दिए। अब आते हैं हम लोग इसके बाद ब्लू वाले, ब्लू वाले नंबर्स की जब बात करते हैं तो देखिए 2 एंड 3 मिलकर भी आपका एक ट्राइंगल बना ये वाला, क्लियर है? देन इसके बाद 1 1 सॉरी 1 2 1 2 मिलकर एक ट्राइंगल बना ये लेफ्ट वाला पूरा बड़ा, ठीक है? अब यहां पर देखिएगा 3 4 3 4 3 4 3 4 मिलकर ये वाला आपका बड़ा ट्राइंगल बना, ठीक है? और फिर इसके बाद 1 2 3 4, यानी सारे ट्राइंगल्स को एक साथ मिला दीजिए, 1 2 3 4, ये पूरा कंप्लीट वाला आपका एक ट्राइंगल बना, बना? तो यहां से अभी कितने ट्राइंगल टूटे, 16 4 20, 20 कौन से थे, ये 4 कौन से थे, ये 4 ये ब्लू वाले थे जो हमने देखे। ब्लू के बाद 4 आपको यहां से मिले, ये वाले, ये यहां करिए, और यहां से आपको 4 मिले थे, ये 4 आपके यहां पर आए थे, ठीक है? 16 4 20 4 24, अब 4 आपको यहां से मिले प्लस 4 28, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए। गलतियां होती हैं, उन्हीं गलतियों से बचना है, एंड तभी जाके आपका आंसर ऐसे क्वेश्चंस में सही आ पाएगा। पहले बेसिक पिक्चर क्लियर करो, देन उसके बाद काउंट तो करना ही करना पड़ेगा, इसका कोई और समाधान नहीं है बच्चा कि हम लोग इजीली इसको कर पाए। तो देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, और ये पिक्चर हमारी स्क्रीन पर भी था जब आपने क्लास का नोटिफिकेशन देखा होगा। पूछा है इस वाली पिक्चर में बताओ त्रिभुज कितने होंगे, 20 21 18 या 22। और जब इतने क्लोज ऑप्शन हो तो दिमाग तो वैसे ही घूम जाता है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने चीजों को समझा और करेक्ट आंसर किया, यह हमें अभी पता पड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, एंड प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या है ये क्वेश्चन?
सबसे पहले पिक्चर आसान बनानी सीखो, पिक्चर आसान तो पूरा क्वेश्चन आसान। और पिक्चर आसान कैसे बनेगी, याद करो कुछ बताया था मैंने, पहले बेसिक पिक्चर क्लियर करो। बेसिक पिक्चर यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो गया, क्लियर बताया आपको, 8 है ना। अच्छा चलो, टाइम भी अप हो गया। अब हम कहते हैं यहां से पहले देखो, यहां पर कितने ट्राइंगल है, 3। यहां से देखो यहां पर 1, 2, दोनों को मिलाकर 3। क्लियर। फिर यहीं से टॉप से देखो यहां पर, कितना, 1, 2 और दोनों को मिलाकर 3। तो आप देखिए केवल बीच वाले पोर्शन में 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6, 3, 9 और 8 बीच वाले से, तो 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17। अब इन 17 के बाद ट्राइंगल कहाँ है, तो डियर देखिए एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ट्राइंगल आपका ये है, चौथा ट्राइंगल आपका ये है, तो आप 4 ट्राइंगल और काउंट कर लीजिए, 17 प्लस 4 आपका कितना हो गया, 21, 21 है ना, 21 हुआ। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये मत कहना सर ये बड़े वाला भी तो होगा, बेटा ये बड़े वाला इन तीन में काउंट है ऑलरेडी, तो 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का लेवल अप है, इस क्वेश्चन का लेवल अप है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 1 मिनट का टाइम पूरा लो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, सटीक आंसर। नो डाउट इस क्वेश्चन का लेवल अप है। बताइए यहां पर आंसर क्या होगा, सबसे पहला काम, सबसे पहले इस पिक्चर में जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल्स हैं सबको काउंट कर दो, ये एक हिंट की तरह काम करेगा। जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं आप उन सभी को काउंट कर दीजिए, काउंट ऑल द ट्राइंगल्स जो कि आपको इंडिविजुअली यहां पर। तो हम कहते हैं कि चलिए ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ट्राइंगल नंबर 5, ट्राइंगल नंबर 6, ट्राइंगल नंबर 7, ट्राइंगल नंबर 8 एंड ट्राइंगल नंबर 9। हमने 9 ट्राइंगल काउंट किए और जो हमारे ट्राइंगल नहीं थे वो थे ये वाली पिक्चर, ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी ये पिक्चर्स हमारे ट्राइंगल नहीं थे। तो टोटल ट्राइंगल हमें इस पिक्चर में कितने मिले, 9, जो कि इंडिविजुअल ट्राइंगल्स थे। अब इन इंडिविजुअल ट्राइंगल्स के बाद हमें क्या करना है, हम उस पर काम करते हैं, यहां से हमें मिला 9। चलो अब एक चीज बताओ, दो नंबर मिलके या नंबर और लेटर मिलके कहाँ कहाँ ट्राइंगल मिल रहे हैं, तो देखिए 1 से तो कोई मिल नहीं रहा दो नंबर मिलके, बट आप एक चीज देखिए 2 के साथ 3 मिलकर एक ट्राइंगल बना, 2 के साथ A मिलकर एक ट्राइंगल बना, 2 के साथ B मिलकर भी एक ट्राइंगल बना, सॉरी 2 के साथ कह रहा हूँ, इट इज विथ 3, यहां पर 3 के साथ मिलकर एक ट्राइंगल बना, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा था मैं, क्लियर है। तो आपने क्या देखा, एक ट्राइंगल यहां मिला। अब इसके साथ देखिए आपका 4 की तरफ से आते हैं, 4 एंड 5 मिलकर एक ट्राइंगल बना, 4 के साथ B मिलकर एक ट्राइंगल बना, और 5 के साथ C मिलकर, 4 के साथ B मिलकर भी एक ट्राइंगल बना, 5 के साथ C मिलकर एक ट्राइंगल बना, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर, तो 6 एंड 7 मिलकर एक ट्राइंगल बना, 6 के साथ C मिलकर एक ट्राइंगल बना, 7 के साथ D मिलकर एक ट्राइंगल बना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें टोटल ट्राइंगल्स कितने मिले, 9। क्लियर है। जब 9 ट्राइंगल्स हमें यहां पर मिल गए और 9 ट्राइंगल्स हमें यहां पर मिल गए और 9 हमें यहां मिल चुके हैं, 9, 9 दूनी 18। अब इन 18 के बाद आपके और ट्राइंगल्स कहां मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको दिखेगा। बेटा इन 18 के बाद अगर आप बड़े ट्राइंगल्स की तरफ जाओगे तो आप ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल क्या आप मिस कर सकते हो, 3, 6, BC, नहीं ना, तो हम इसको लिख देते हैं 3, 6,
बी और सी मिलकर एक ट्राइंगल बना, ठीक है। अब जो ट्राइंगल बना था उसको हम हटा भी देते हैं क्योंकि ये तो हमारा काउंट हो चुका, और नंबर असेंडिंग ऑर्डर होंगे तो हमारा कोई भी रिपीट नहीं होगा, ये बात पक्की है। अब मान लीजिए ये हमारा ए कॉर्नर है, ए कॉर्नर, ए कॉर्नर से कितने हुए, चलो मैं दिखाता हूं। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा ना हाइलाइटनर ना मोटा कर लेता हूं यहां पर। चलिए तो देखिए ए कॉर्नर से हमें कितने मिल रहे हैं, आप देखिए एक ट्राइंगल ये बड़े वाला, और अगर ये वाली लाइन भी यहां पर होती तो कितने ट्राइंगल मिले, एक ट्राइंगल ये वाला, यानी जिसमें हमारे जो नंबर्स आए वो कौन कौन से आए, 2, 9, AFE, AEF, 2, 9, AEF, और इधर आया 3, 6, 7, BCD, 3, 6, 7, BCD हमें यहां पर मिल गया, 3, 6, 7, BCD, क्लियर है। चलिए इसको भी रफ करते हैं, ये ए की तरफ से हुआ, अभी हम चलते हैं बी की तरफ से। बी की तरफ से आपके कितने आएंगे, देखिए बी की तरफ से बी ये हो गया, बी की तरफ से तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये बड़े वाला ट्राइंगल तो वही है जो ए की तरफ से भी था, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, बट ये दो ट्राइंगल और मिले हमें। तो ये जो दो ट्राइंगल थे ये हमें क्या क्या मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 2, 3, 6, ABC, यानी 2, 3, 6, A, B एंड C। दूसरा क्या मिला, 7, 9, DEF, तो हमने क्या किया, 7, 9, DEF हमें ये भी मिला। अच्छा चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको फिर से रफ कर देते हैं। अब आप देखिए आपको और कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो आप नोटिस कीजिए आपको एक ट्राइंगल और दिख रहा है, दैट इज सी। जब सी करेंगे तो सी के केस में ये देखिए, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, तो इस बार जो आपको दिखा वो आपको क्या दिखा, 4, 1, 4, 1, 4, AB, F, लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन 5, 8, CDE, 5, 8, CDE, ठीक है। और एक ये पूरे वाला बनेगा, पूरे वाला मिला। तो डियर अभी पूरे वाला हम लोगों ने कहीं भी काउंट नहीं किया था, तो एक बिग बना रेड वाला और एक बिग देखिए ये वाला बना ब्लू वाला, तो ब्लू वाले को भी हम देख लेते हैं, ब्लू वाला कौन सा है हमारा बिग, यानी अगर आप देखिए एक सीधा ट्राइंगल एक उल्टा ट्राइंगल, तो अभी आपने देखा कि जब आपने इधर से देखा था तो आपने एक दो काउंट किए थे, जब आपने इधर से देखा तो एक दो काउंट किए थे, आपने इधर से देखा एक दो काउंट, बट रेड और ब्लू दो बड़े वाले ट्राइंगल भी बन रहे हैं। तो आप यहां पर देखिए आपने 9 वहां से निकाला, 9 यहां से मिला, 18, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 25 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ट्राइंगल आपने यहां से निकाला। तो आप देखिए ये वाला 9 यहाँ, 9, 9, 2, 18, 18 और 7 कितना हुआ, 25, 25 के बाद दो बड़े ट्राइंगल, यानी आंसर हो गया आपका कितना, 27। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हर जगह शॉर्टकट नहीं चलेगा, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी चलेगा, अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हैं। तो मैं बढ़ना चाहूंगा इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। चलो एक काम करते हैं, 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर लो, 30 सेकंड। बताइए क्या हो सकता है लॉजिक, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक ट्राइंगल ये छोटे वाला, फिर इधर की तरफ चलो लेफ्ट की तरफ, दूसरा ट्राइंगल ये बड़े वाला यहां से ये पूरा, फिर तीसरा ट्राइंगल ये बड़े वाला पूरा, ये तीन ट्राइंगल हमें मिले, क्लियर है। अब हम चलते हैं इधर की तरफ, देखिए चौथा ट्राइंगल ये बड़े वाला पूरा बना, अब देखिए पांचवा ट्राइंगल एक ये वाला, ये ट्राइंगल नंबर 5, एंड फाइनली ये वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल नंबर 6। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, 6। यहां पर कुल मिला के 6 ट्राइंगल हमें दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल 6 ट्राइंगल हमें मिल रहे। नेक्स्ट काउंट द आंसर इन 30 सेकंड, 30 सेकंड में बताइए, 10, 11, 12, 13 क्या होगा करेक्ट आंसर, कितने ट्राइंगल्स हैं यहां। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
बेटा ये आसान क्वेश्चन है, पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए टाइम अप होता हुआ, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स आप, यहां पर देखने की जरूरत है। देखिए तीन तीन, और ये बड़े वाले भी देखिए, तीन तीन, तीन छः, तीन नौ, नौ तो काउंट किए बट दो ट्रायंगल अभी भी रह गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्लस टू करना है, रिजल्ट आपका क्या होगा, इलेवन। इलेवन इज द करेक्ट आंसर, 11 ट्राइंगल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना पड़ेगा, 30 सेकेंड ही है आपके पास, और 30 सेकेंड में आप इसका आंसर करें, बताएं ट्राइंगल कितने हैं हमारे पास। समझाता हूं मैं यहां पर आपको, आपने ये पिक्चर देखी पूरी और ये पिक्चर ऐसे कटती, ठीक है, और कुछ याद आ रहा होगा, और ये वाली लाइन, हम इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं अभी। जब इस वाली लाइन को मैंने छोड़ा तो आप देखो ट्राइंगल कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो गया 12 ट्राइंगल तो हमें मिल चुके थे, कितने ट्राइंगल, 12 ट्राइंगल। तो मैं अब यहां से नंबर हटा देता हूं, क्योंकि हम 12 ट्राइंगल जब ढूंढ चुके हैं, और 12 ट्राइंगल ढूंढने के बाद अब ये देखिए, ये लाइन जैसे यहां पर आई तो एक ट्राइंगल तो ये बना, दूसरा ट्राइंगल ये बना, और इस लाइन की वजह से तीसरा ट्राइंगल बना ये वाला, ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 12 प्लस 3 आपका कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि लाइन खींची तो दो ट्राइंगल यहां, और इस लाइन की वजह से एक ट्राइंगल इस कॉर्नर पे बना, तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर गया दैट इज 15, 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। बताइए यहां पर ट्राइंगल कितने होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, 45 सेकेंड्स ले लेते हैं इस बार, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है, समझने वाला भी है। मैन्युअली काउंट होगा, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ जगह हमें मैन्युअली भी काउंट करना पड़ता है। तो मैन्युअली कैसे काउंट करेंगे इस पे फोकस कीजिए। लास्ट 14 सेकेंड्स, चलिए हम बात करते हैं यहां पर। आप एक चीज देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ट्राइंगल है नहीं, फिर देखिए 8 9 10, हम इसको ए लेते हैं, हम लोग इसको बी लेते हैं, तो 10 ट्राइंगल तो आप लोगों ने इजीली ढूंढ लिए, जो कि इंडिविजुअल ट्राइंगल्स आपको दिख रहे थे। अब इन 10 के बाद आपको क्या करना था, अब आप इस पे बात करते हैं। तो डियर आप देखिए, हम पहले 1 की तरफ से चलते हैं, तो 1 की तरफ से देखिए, 1 3 4 5 मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, इसके बाद देखो 3 8 ए एक और ट्राइंगल बनेगा नीचे की तरफ ये, इसके बाद एक चीज देखिएगा 5 8 9 10 एक और ट्राइंगल बना ये वाला नीचे की तरफ 5 8 9 10, इसके बाद देखिए 7 10 और B मिलकर एक ट्राइंगल बना, 7 10 और B मिलकर एक ट्राइंगल बना। देन इसके बाद आप देखिए 4 5 6 7
6 9, 4 5 6 9 मिलकर एक ट्राइंगल बना। देन इसके बाद देखिएगा 2 5 6 एंड 7, 2 5 6 एंड 7 ये ट्राइंगल बना। अब बचते कौन से ट्राइंगल है, तो देखिए एक बड़े वाला ट्राइंगल ये बचा, एक बड़े वाला ट्राइंगल हमारा ये बचा, 4 5 6 9, 4 5 6 9 ऑलरेडी हो चुका है, तो दो हमारे बिग वाले बचे। क्लियर है? तो यहां से कितने मिले, 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई रिपीट नहीं हुआ, 16 और 2 18, यानी करेक्ट आंसर हमारा बना 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब देखिए ये पिक्चर ना, मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर आप लोग घर से आंसर करो, घर से आंसर करो, घर से सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है और आपसे पूछा है कि बताइए ट्राइंगल कितने होंगे। एंड याद रखिएगा ये हमारा ट्राइंगल नहीं हो सकता जिनको मैंने कट कर दिया, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, कहाँ करेंगे आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी जबरदस्त क्लास होगी ऑर्डर एंड रैंकिंग की। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ गेट एकेडमी पे एंड अच्छे से चीजों को सीखिए। गुड लक, बाय बाय। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित कर, नमस्कार।